दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कर्क राशि का मार्च लव राशि फल, कैंसर का लव लाइफ कैसा रहेगा मार्च में, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें कि ये राशि फल जो होता है वो आपकी लग्न पर आधारित होता है अथवा आपकी जन्म राशि पर आधारित होता है। आप इसे अपनी जन्म राशि आपको नहीं पता है तो आप इसे नाम राशि के आधार पर भी देख व सुन सकते हैं। तो दोस्तों एक विशेष जानकारी आपको दे दूं कि आप हमारे पास में अगर कोई अपना प्रश्न भेजना चाहते हैं, पर्सनली आपको कॉल इत्यादि करने में परेशानी होती है, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जो लोग कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे सलाह दी गई है कि पंडित जी आप अपनी कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए, जिससे लोग जो लोग कमेंट नहीं करना चाहते हैं वो लोग अपना कोई व्यक्तिगत सवाल, जो सवाल वो पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकें ईमेल पे आपसे। तो मैंने एक ईमेल आपके लिए तैयार की है, तो आप उस ईमेल को हमारे चैनल के अबाउट से निकाल सकते हैं, वहाँ अपनी बात पहुँचा सकते हैं हमसे सीधे, वहाँ पर हम ईमेल पर आपकी बातों के जवाब दिया करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कर्क राशि का लव राशि फल। कर्क राशि से दशमस्त रहेंगे शुक्र, और शुक्र का गोचर दशमस्त रहने के प्रेम के कारक, भौतिक सुखों के कारक, सौंदर्य के कारक और इच्छाओं के कारक शुक्र, ये शुक्र जो लक्ष्मी के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, वही शुक्र आपके भौतिक सुखों को देख रहे होंगे। और कर्क राशि के जातकों, आपकी राशि से दशमस्त रहने के चलते आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी इच्छाएं जागृत कर देंगे ये शुक्र, जो आप प्रेम की इच्छाएं आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर आप लव लाइफ में अभी तक किसी के साथ नहीं है, आपका पहला प्यार अभी तक नहीं हुआ है, तो ये इच्छा पूरी होने वाली है आपकी। आप जिस व्यक्ति से ज़्यादा ही आपको जहाँ दिखता है कि यहाँ से मुझे प्यार मिल सकता है, कोशिश कीजिए, निश्चित ही मिल जाएगा। देखा जाए तो ये शुक्र भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि करने वाला होगा, तो वही लव लाइफ में थोड़ी बहुत, अगर आप पहले से ही लव रिलेशनशिप में हैं तो उसमें आपके लिए थोड़ी बहुत आनाकानी इत्यादि हो सकती है। हो सकता है कि थोड़ा आप पर दबाव बनाया जाए, आपके पार्टनर कुछ ऐसी बातें बोलें जो आपको अजीब लगें, और अजीबोगरीब जो बातें होंगी उनसे आपको थोड़ा मतभेद, थोड़ी मानसिक अशांति हो सकती है। लेकिन दिनों दिन इन मार्च के महीने में पूरी स्थितियां ऐसी नहीं रहेंगी, कुछ स्थितियां सामान्य रहेंगी और कुछ में आपका लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा और कुछ में मानसिक अशांति इत्यादि हो सकती है। और वही कर्क राशि के जातकों के अनुसार, कर्क राशि भावुक हृदय वाले होते हैं, तो यहाँ पर एक बात बोल दें आपको कि आपके सीनियर, आपके पार्टनर सीनियर हों या आपके दोस्त हों, आपके प्रेमीजन हों, उनसे आप पर कोई कमेंट किया जा सकता है, आपके पार्टनर पर कमेंट किया जा सकता है, उसे आप थोड़ा सहन करें, उनका जवाब ना दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर कोई भी आपके पार्टनर पर, आपके प्यार पर कोई भी कमेंट करता है आपका बड़ा, तो उसे थोड़ा सहन करें, वहाँ जवाब देना उचित नहीं होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। देखा जाए तो कुल मिलाकर के लव लाइफ आपकी सामान्य रहने वाली है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी और दिक्कतों के लिए आपको कात्यायनी मैया की शरण में जाना होगा। वैसे भी नवरात्रि आने वाली हैं, तो आप होली का त्यौहार भी आएगा इसी मार्च में, तो प्रेम का महीना है, होली मनाइए खूब और बहुत ही अच्छी तरीके से कात्यायनी मैया का आशीर्वाद लीजिए, उनका जप कीजिए, प्रेम आपका बरकरार रहेगा। और हम भी ऐसा आपके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं कि आपका जो पार्टनर मार्च में बने वो आपके साथ में शादी में परिवर्तित हो आपका प्यार, और खूब खुश रहें आप लोग। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।